हर किसी की लाइफ में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो उसके पैदा होने से लेकर मरते दम तक साथ में होता है, और वो होता है वो खुद। अपने खालीपन को एकांत में कैसे बदलें, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। अकेले रहने वाले लोगों की 8 क्वालिटीज़ मैं आज आपको बताऊंगी, जो एक इंसान को तभी हासिल होती हैं जब वो अकेले में समय बिताता है। सबसे पहली खासियत है यूनिक पर्सनैलिटी, सबसे अलग व्यक्तित्व। अकेले रहने वाले लोग यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, ये खासियत होती है उनमें। देखो, आपने इतनी बार सुना होगा कि सब लोगों में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, लेकिन उस खासियत का पता तब पड़ता है जब कोई बंदा अपने साथ में, खुद के साथ में टाइम बिताता है। जो बंदा ज़्यादा दुनियादारी से मतलब रखता है तो उसका जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो उसको रियलाइज़ नहीं होता है। वो दूसरे लोगों के करैक्टर से इतना अफेक्टेड हो जाता है कि उसके जो खुद की रियल क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो यूनिकनेस है, वो गुम हो जाती है। जबकि जो अकेला रहना पसंद करता है उसकी अपनी एक शख्सियता होती है, अपनी एक डिफरेंट इमेज होती है, उसके खुद के अपने रूल्स होते हैं, वो बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी ज़िंदगी अलग ढंग से जीता है। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। जब आप लोगों के बीच में रहते हो तो वहाँ क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, एक दूसरे की चुगलियाँ भी होती हैं। दूसरों में एक भी अगर आपको खूबी दिख जाती है तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि भाई ये क्वालिटी तो मेरे अंदर है ही नहीं। जब आप अकेले रहते हो तो आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हो, आपको कोई जज नहीं कर रहा होता और ना आप किसी को जज कर रहे होते हो कि उसमें ऐसी कमी है या मुझ में ऐसी कमी है। एट द सेम टाइम जब आप अकेले रहते हो तो खुद के साथ समय बिताते हो तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, आपके पास पूरा टाइम होता है, आप खुद के बारे में जान सकते हो, खुद को पहचान सकते हो कि मेरे में क्या अलग है दूसरों से, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे औरों से बेहतर बनाती है, औरों से अलग बनाती है। तो जब आप खुद को पहचान ही लोगे तो आपको खुद के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। अकेले रहने वालों की तीसरी क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने की वजह से किसी के मुंह नहीं लगते, और जब किसी के मुंह नहीं लगेंगे तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहते हो तो आपकी इज्जत वहाँ कम हो जाती है, लोग आपको हल्के में लेना लग जाते हैं। चौथी क्वालिटी अकेले रहने वाले लोगों की है कि क्रिएटिव माइंड। अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अकेले रहने वाले लोगों के दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है, डिस्टरबेंस कम होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली क्वालिटी है सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। यानी कि वो किसी के एहसानों के तले नहीं दबते क्योंकि उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी की सहायता नहीं लेते, किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो अपनी ज़रूरत अकेले ही पूरा करना अच्छे से जानते हैं। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, उनसे आपने अगर थोड़ी सी भी हेल्प ले ली ना तो उसको वो हमेशा गिनाते रहेंगे, लेकिन जो अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते। अकेले रहने वालों की छठी क्वालिटी है वो मेंटली और इमोशनली ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, अंदर से सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आज उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको अकेले ही उस मुसीबत से बाहर निकलना है। ऐसा बार बार करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप अकेले नहीं सॉल्व कर सकते। अकेले रहने वालों की सातवीं क्वालिटी है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं।
अकेले रहने वाले लोगों को किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता, उनको ना कोई रोकने वाला होता है और इस वजह से वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की आठवीं क्वालिटी है कि उनके सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। अकेले रहने और सोचने वाले लोगों की सफलता के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अपने खुद के फंडामेंटल्स हैं, अपने खुद के रूल्स हैं। अकेले रहने की वजह से उनके पास खुद को देने के लिए टाइम होता है, जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और खुद को समझ करके जब कोई बंदा प्लानिंग करता है, जब उसको पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा रिस्क लेवल क्या है, मेरी ज़रूरतें क्या हैं, कौन सी अचीवमेंट मेरे लिए सक्सेस है, तो जब वो बिना किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हुए इतनी सारी चीज़ें खुद के अंदर कंसीडर करते हुए अपने गोल के पीछे भागता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। दिस इज़ नॉर्मल। अब मैं आपको बताती हूँ अकेले कैसे रहें, अकेला रहना क्या होता है। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में मम्मी पापा से भी अलग हो, फैमिली से भी अलग हो। अकेले रहने का मतलब है जो नेगेटिव लोग आपकी तरफ हैं, जो फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए आपने लोगों का सर्कल बना रखा है, जो आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों से उलझते रहते हैं, उन सब से अलग होकर अपने आप को, अपने टाइम को अपने और अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करना, अपने सपनों के लिए स्पेंड करना, ये होता है अकेलेपन में रहना। मैं ये नहीं कह रही कि सफल होने के लिए अकेला रहना ही जरूरी है। ऐसे तो कोई क्रिकेटर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें टीम वर्क चाहिए। लेकिन आप अगर सिचुएशनल अकेले हो, सिचुएशनल का मतलब होता है कि आप किसी रीजन की वजह से अकेले हो, या फिर आप हमेशा अपने लिए थोड़ा टाइम अलग से निकालते हो, तो इसको मैं बोलूँगी कि अकेले रहने का मतलब है कि खुद से जुड़ कर के रहना। हर टाइम अकेला रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिन में 1 से 2 घंटे अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज जरूर करो, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उनके पास शेयर करें जो डिप्रेशन में हैं, जो अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक्चुअल में नहीं पता कि वो और लोगों से कितने बेहतर हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, एंजॉय लाइफ। थैंक यू सो मच।